आपका टाटा परिवार पर स्वागत है भाई। नमस्कार भाई सभी लोगों को। और जुलाई सीटेट का जुलाई वाला नोटिफिकेशन दोस्तों जैसा कि बताया था वो आ चुका है, लेकिन इसमें सर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। उसमें सर नोटिफिकेशन में दिया गया पहले आओ पहले क्या क्या है ये, मतलब बच्चे सुले कंफ्यूज है, ऐसा कुछ फायदा है कि क्या है? दोस्तों देखो ध्यान रखिएगा, जो बच्चे भी ऐसे हैं जिन्होंने पहले फॉर्म फिल किया था ये वाला सीटेट 2022 वाला, तो उस समय से ये नया कॉन्सेप्ट आया था, तो जो पुराने बच्चे हैं सर उनको तो पता होगा इसके बारे में, लेकिन जो नए इस बार फॉर्म फिल करेंगे और जो बिल्कुल उनको लगता है सर यही पता है हमें, तो दोस्तों उसको समझ लें हम लोग क्या है आखिर ये पहले आओ पहले पाओ। तो देखो इस पर आप यहाँ पे देखेंगे हम लोग दोस्तों, तो आप लोगों के लिए एक ये नोटिफिकेशन आया था ना उसमें आप देखोगे यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पे ये रहा, ये देखिए आप आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर क्या होगा उपलब्ध होगा क्या, यानी कि दोस्तों उम्मीदवार यह भी ध्यान रखे कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार होगी। यानी कि आप सपोज करिएगा बिलोंग करते पटना से, अब पटना शहर के अंदर मान लो सपोज करिएगा कि वहां पर स्ट्रेंथ है केवल और केवल 1,00,000 बच्चा वहां पर फॉर्म पेपर दे सकता है, ठीक है, और अब पटना में अगर मान लो सर बच्चे हैं 1,50,000, तो सर जो पहले 1,00,000 फॉर्म फिल कर देंगे उनको तो पटना मिल जाएगा, लेकिन जो बाकी के 50,000 हैं उनको और शहर मिलेगा फिर, यानी कि सर यहाँ पर उनको परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगा। तो यानी सर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर सर मैं दिल्ली में रहता हूँ, सपोज सर अगर मेरे को जो कॉन्सेप्ट समझ में, अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा सेंटर दिल्ली में पड़े, दोस्त दिल्ली में, जैसे सर ने बताया दिल्ली में जो पहले जो 100 लोग होंगे 100 सीटें, तो जो जिन लोगों ने पहले दिल्ली को प्रायोरिटी दिया होगा उन 100 लोगों को दिल्ली मिल जाएगा सर, बस सर, और बाकी जो बच्चे होंगे क्योंकि प्रायोरिटी बहुत लोगों की, बाकी लोगों को दूसरा सेंटर मिलेगा। तो सर फायदा उसमें है कि अपने घर के पास के सेंटर में जो बच्चे डिसाइड कर रहे हैं घर के पास के सेंटर में आपको प्रायोरिटी मिलेगी, तो जल्दी से जल्दी आपको फॉर्म भर देना चाहिए। तो हाँ सर हम भी यही कहेंगे दोस्तों कि आज से ही अपना फॉर्म फिल करना शुरू कर दीजिए आप, क्योंकि लास्ट टाइम सर यूपी में ऐसा हुआ था, देखने तक बच्चा कहीं किसी और जिले का पढ़ला कर एक एक दिन उसको ट्रैवल करने निकल गया, दो तो 200-300 किलोमीटर दूर तक फॉर्म फिल गया था। और सर खासकर दिक्कत उनको होती है जो हाउस वाइफ होती है, हाँ सर, या जो आपके जो है गर्ल्स होती है, उनको फिर दिक्कत आती है दूसरे शहर जाने करके पेपर देने में। एक शायद आपको लखनऊ से मान के चलिए कि गाजियाबाद आ रहा है, कोई बनारस से चल के अगर सपोज करिए गाजियाबाद आ रहा है तो कितना दूर है। तो कहना चाहूंगा अगर भाई किसी को लगता है कि आपको आशीष सर सोलंकी सर से मिलना है ना, तो आप दिल्ली बढ़ सकते हैं, दिल्ली नोएडा बढ़ सकते हैं, गुड़गांव बढ़ सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए एक और चीज बता दो भाई, ये सीटेट इतना कोई हवा नहीं है कि मैं भाई बोल दूं कि बहुत मुश्किल नहीं, बहुत सिंपल है सर। और अभी जो हमने देखा दोस्तों, हमने इसका यूट्यूब पर फ्री बैच चला दिया है, यकीन बैच, जो आपको टेट अड्डा पर बिल्कुल फ्री मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा टेट अड्डा पर साथियों। तो दोस्तों इसका बिल्कुल इंतजार खत्म होता है, तो पहले आओ पहले पाओ का पूरा फायदा उठाएं ताकि आप बहुत दूर नहीं जाएं, घर के पास के सेंटर में एग्जाम। बिल्कुल सर, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो टेट अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।